Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter of your supplementary reader book, that is Snapshot. This new chapter is chapter number 3, named Ranga's Marriage, and the author is Masti Venkatesh Iyengar. Now let's come to page number 16. See the above paragraph. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different. Or are they? Now, this story is about whom? Ranga. रंगा कौन था? ही वॉज एन अकाउंटेंट सन. और उसको रेयर ब्रीड क्यों बोला गया है? क्योंकि सारे विलेजर्स में से एक वही पर्सन था जो विलेज एरिया के बाहर गया था टुवर्ड्स द सिटी ऑफ बेंगलोर फॉर हायर स्टडीज़. तो जैसे ही उसने अपनी स्टडीज़ को कवर अप किया और जब वो वापस आया टू हिज सिटी, तब लोग एकदम से उसके पास एक क्राउड बनाकर खड़े हो गए जस्ट टू आस्क हिम कि वो बाहर क्यों गया था, उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया, किस अकॉर्डिंग की सिचुएशंस उसने बाहर फेस करी. एंड ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने तरीके से रंगा से पूछी या फिर दे इंक्वायर्ड हिम. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. और आर दे? लेकिन यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट है कि उसके मैरिज को लेकर जो पहले आइडियाज़ थे वो अब थोड़े डिफरेंट हो गए. तो क्या वो रियलिटी में डिफरेंट हुए या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए डिफरेंट हुए? सो टू क्वेश्चंस आर मिक्स्ड देयर. ईदर दे हैव चेंज्ड और दे हैवंट चेंज्ड. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज रंगास मैरिज. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 16. व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथन विवाह और रंगनाथन विजय. वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरजा'स वेडिंग. इट्स अबाउट आर ओन रंगा'स मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. होशाली इज आर विलेज. अब यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला है कि काफ़ी लोग इस टाइटल को देखकर पूछ रहे होंगे या मन में सोच रहे होंगे कि मैंने यही नाम क्यों रखा है चैप्टर का, दैट इज़ रंगास मैरिज. हो सकता है मैं उसका फुल नेम रंगनाथन विवाह रख देता या फिर रंगनाथ विजय, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं करा? ये सारे माउथ फिलिंग वर्ड्स मैंने क्यों नहीं यूज़ करे? जस्ट बिकॉज टू गिव अ चेंज टू माई राइटिंग. और हो सकता है मैं उसको जगन्नाथ विजय या फिर गिरजा कल्याण बोल दूँ, बट ना ही वो जगन्नाथ की विक्ट्री है और ना ही गिरजा की वेडिंग. सो दैट्स वाई द मेन या कॉमन कैरेक्टर इज रंगा. एंड उसका जो भी एटीट्यूड अबाउट मैरिज चेंज हुआ है उन सबको मिक्स मैशअप करके एक नेम दिया है ऑथर ने, दैट इज रंगास मैरिज. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर विलेज जहाँ से ये स्टोरी बिलोंग करती है, दैट इज होशाली द नेम ऑफ द विलेज. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, व्हाट अ पिटी. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England, writing in English, probably do not know that such a place exists, and so make no mention of it. अब ऑथर ने क्या बोला कि आपने इस विलेज के बारे में कभी सुना है, होशाली के बारे में? But almost सबका आंसर क्या होता है? No. तो वो कहता है कितने दुख की बात है कि हमने आज तक ऐसे विलेज के बारे में नहीं सुना जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है अपने कैरेक्टर के लिए. उसके जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं, और ऐसा हमने क्यों नहीं सुना? जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लैंड पीपल. क्योंकि ना ही वो किसी ज्योग्राफी बुक में मेंशन है और ना ही किसी इंग्लिश राइटिंग में, एंड दैट्स व्हाई उसकी कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ वो एग्जिस्ट होता हो. सो वी ऑल आर अननोन अबाउट दिस विलेज. Our own people too forget about it. And कुछ लोग ऐसे हैं इस विलेज के जो बाहर गए हैं और
तब जाकर भी वो इस प्लेस का नाम भूल गए हैं पूरी तरह से. सो दे ऑल्सो हैव फॉरगॉट अबाउट दिस प्लेस. यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. वन शीप वॉक्स इन टू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. एंड बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आर ओन जोग्राफर्स हैव नॉट रिफर टू इट. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप. अब यहाँ पर क्या बोला ऑथर ने कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा सीधे हैं, या फिर आप ये समझ लो इतने ज़्यादा फूलिश है, कि अगर उनकी शीप की जो एक फ्लॉक होता है, अगर उसमें से एक मेल लीडर गड्ढे में या पिट में गिर रहा है, तो उसको सब जने बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सेम बात को फॉलो करेंगे. तो इस अकॉर्डिंग आप उन पीपल को या तो फूलिश मानो या बहुत ज़्यादा सीधा, दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सोसाइटी. एंड इसी अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मैं अपने लोगों को दोष क्या दूँ, क्योंकि इंग्लैंड के बड़े बड़े साहिब्स ने भी उसको कहीं पर भी मेंशन नहीं करा हमारे विलेज को, तो उसकी पॉपुलैरिटी ही नहीं हो पाई. इवन जोग्राफर्स ने भी कहीं पर उसका नाम नहीं लिया, ना ही आज तक मेंशन करा है. तो फिर पुअर कार्टोग्राफर कैसे उसको रिमेंबर कर सकते उस मैप पर ड्रॉ करने के लिए. मीन्स जो हमारा इंडिया का मैप है, उसमें जो मैप्स में सारे के सारे फिगर ड्रॉ करते हैं, उन कार्टोग्राफर्स को कैसे याद रहता कि इस पोर्शन को भी मैप पर ड्रॉ करना है. कैन यू? तो फिर हम सब कैसे जान सकते? वी कांट. एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. और इसीलिए किसी भी जो मैप बनते हैं, उन मैप्स में से किसी पर भी हमारे विलेज की एक छोटी सी परछाई या झलक भी नहीं है. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भरतवर्ष, व्हाट द ओके कमिंग टू नेक्स्ट पेज. व्हाट द ऑथर टोल्ड हियर, ही जस्ट सेड कि मैंने टॉपिक को यहाँ स्टार्ट करा, टॉपिक वॉज रंगास मैरिज, बट मैंने डिस्क्रिप्शन किसका दिया, द पीपल ऑफ आर विलेज एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लैंड पीपल, कि उन्होंने आज तक हमारे इस विलेज को कहीं पर भी मेंशन नहीं करा. दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन विद द विलेज. नाउ ही इज़ कमिंग टू अनदर डायरेक्शन, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द स्टोरी. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भरतवर्ष, अगर मैसूर के स्टेट को आप भारतवर्ष बोलते हैं, देन व्हाट द कम टू पेज नंबर 17. Then what the sweet Karigabda is to a festive meal. Now what is Karigabu? South Indian fried sweet. एक ऐसा sweet जो कि आप fry करते हैं और ये हर एक festival में बनाया जाता है. It is a basic sweet of South Indians. Then Hoshali is to Mysore state what the filling is to the Karigabu. तब उन्होंने क्या बोला, होशाली जो है वो इक्वल्स टू मैसूर स्टेट है. मैसूर के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन होशाली के बारे में बिल्कुल भी नहीं. और जो कारीगादबू है वो क्या है, द बेसिक फिलिंग ऑफ ऑल दीज टेस्ट. मीन्स सारे के सारे पीपल को कंपेयर किया गया है एज द स्वीट्स, जो कि वहाँ की सिमिलैरिटी है, वहाँ का एक फेमस ट्रेडिशनल स्वीट है जो कि हर एक फेस्टिवल पर बनता है. तो सारे के सारे पीपल उस होशाली विलेज के, उनको किससे कंपेयर किया गया, टू अ स्वीट, दैट इज कारीगादबू. व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी. एंड ऑथर ये चाहते हैं कि हम उनकी इस बात को बिलीव करें. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्ट. ही एग्रीज विथ मी. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, Ananya. Sorry, no, Anaya. Now, what is Anaya? It's written on the last column of the page. See this. In Kannada, a respectful term for an elder. Whenever someone asks from doctor कि आप कहीं गए हैं ऐसी जगह पर जिसकी आप तारीफ कर सकें या फिर अपने विलेज के ऊपर रख सकें, सो व्हाट इज़ द रिप्लाई ऑफ डॉक्टर, नो अनाय.
coming back to wherever we were. See this now. ऑथर का कहना क्या है इन सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज कि उनकी प्लेस का हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है और उन्हीं के अकॉर्डिंग होशियारी अभी तक ग्लोइंग फॉर्म में है. हर बार वो लोगों की नज़रों में चमकता है. कोई एक बार यहाँ पर आ जाए तो उनका ओपिनियन हर बार पॉजिटिव रहता है इस विलेज के बारे में. और वो सिर्फ ये नहीं बोलते हैं, वहाँ पर आए हुए डॉक्टर भी बोलते हैं जो पहले वहाँ नहीं रहते थे. बट अब जाकर ही इज़ वन ऑफ द मेम्बर ऑफ दैट विलेज होशियारी एंड द नेम ऑफ द डॉक्टर इज़ कुंदावतर. सो ही एग्रीज टू हिम. वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गए हैं लेकिन बाकी की प्लेसेस जो भी इंडिया को बिलोंग करती हैं वहाँ ज़रूर गए हैं. तो कभी भी कोई उनसे पूछता है कि आपको इस विलेज के बारे में क्या ओपिनियन है, आपको ये विलेज कैसा लगता है, तो वो हर बार उसको प्रेज करते हैं, कभी भी उसकी बुराई नहीं करते हैं. तो हर बार कभी भी कोई पूछता है कि आपको ये विलेज पसंद नहीं आता तो वो कहते हैं नो अनाय. अनाय मीन्स द एल्डर पर्सन. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग. अब ऑथर कहते हैं मैं खुद से अपने विलेज की तारीफ नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा, इसलिए मैं आपके तरफ इस चीज़ को छोड़ता हूँ. और अब जाकर मैं एक डॉग की स्पीड की तरह आगे फ्लाई करता हूँ, मीन्स रन करता हूँ टू अ क्विक स्पीड. इज़ नॉट फॉर मी. और ये सब मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है. आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी. तब जाकर ऑथर की ही बातों को डॉक्टर ने एक तरीके से एक नया फेस दिया कि मेरे अकॉर्डिंग ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं काफ़ी जगहों पर गया हूँ जस्ट लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग जो कि हर जगह अपनी जो डायरेक्शन होती है या रहने का स्पेस होता है, जो हैबिटेट होता है, उसको टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है. बट उन्होंने काफ़ी ऐसी प्लेसेस देख ली हैं जहाँ पर उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके लिए जो बेस्ट प्लेस है दैट इज़ द प्लेस होशियारी. एंड तो भी डॉक्टर ने ये सारा व्यू हमारे ऊपर छोड़ा था कि जब हम स्टोरी को फर्दर पढ़ेंगे तो हम ये डिसाइड कर लें कि ये विलेज कैसा है. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट. द सन इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. अब यहाँ पर author क्या बोलते हैं? इस village में कुछ mango trees हैं. जब आप इस village को visit करेंगे तब उसमें से मैं एक raw mango, कच्चा आम आप लोगों को दूंगा. लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं खाना है, जस्ट उसकी एक बाइट लेनी है. उसमें जो कड़वापन आएगा वो डायरेक्टली आपके ब्रह्मरंध्र में लगेगा. मींस द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर. डायरेक्टली जाकर आपके दिमाग को वो छुएगा, टच करेगा. द सॉफ्ट पार्ट इन द मिडल, द मेड्यूला. आई वंस टुक वन सच फ्रूट फ्रॉम होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. अब उसी ट्री से एक फ्रूट वो ले गए थे, मैंगो का, कच्चे मैंगो का, एंड उसकी चटनी उन्होंने घर पर प्रिपेयर करवाई थी. एंड सब जनों ने उसका टेस्ट लिया था. और जो उसके बाद हुआ वो क्या था? देवर सफरिंग फ्रॉम कफ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खट्टा था एंड कहीं ना कहीं एक बिटर टेस्ट था, सौर के साथ एक बिटर टेस्ट. इट वॉज वेन आई वेंट फॉर अ कफ मेडिसिन. और तब जाकर नॉर्मली जब सारे पर्सन को कफ होगा तो फिर वो क्या करेंगे? कफ की मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे. और डॉक्टर ने कुछ अलग ही स्पेशल क्वालिटी बताई ऑफ दिस फ्रूट, दैट इज द रॉ मैंगो. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. इट्स फ्लावर आर द फीस्ट टू बिहोल्ड. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say, I am rambling. Now what is rambling? Beating about the bush.
मीन्स नॉट कमिंग आउट टू द पॉइंट. अभी तक ऑथर ने जो चैप्टर था उसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करा, पहले अपने विलेज के बारे में, फिर विलेज के लोगों के बारे में, फिर उनकी तारीफ के बारे में बताया, देन रॉ मैंगो फ्रूट के बारे में बताया, एंड फाइनली उन्होंने क्रीपर्स के बारे में बताया जो कि वाटर में एक फीस या एक डिलाइट की तरह पूरे विलेज पॉन्ड को डेकोरेट करके रखते हैं, बेहोल्ड करके रखते हैं. एंड हम हमेशा जब भी बात के लिए जाएँ तो हमें वो दो क्रीपर्स में जो लीव्स होती हैं उनको अपने साथ लाना नेसेसरी होता है. बट वाई, ये सब उन्होंने अभी तक नहीं बताया. तो कह रहे हैं मुझे पता है कि वो लीव्स आफ्टरनून मील को सर्व करने के लिए यूज़फुल हैं, बट उनका खुद का ही कोई एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस है. जब आप विलेज में आएंगे तो आपको पता चलेगा. अब जाकर ऑथर कहते हैं कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक रैम्बल कर रहा हूँ, मीन्स नॉट कमिंग टू द चैप्टर और टू द पॉइंट, यहाँ वहाँ की सारी बातें मैं कर रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आर विलेज कम्स अप, बट इनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन एंड लेट यू नो वेयर होशाली इज एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री. अब यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला कि हर बार जब भी मैं विलेज में कोई भी या किसी भी पर्सन की स्टोरी बोलने जाता हूँ तो पहले मैं अपने विलेज की जब तक बात ना कर लूँ तब तक मुझे अच्छा फील नहीं होता है, और इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपने विलेज के बारे में उनको बताऊँ ताकि वो विज़िट कर सकें इस विलेज को. और तो भी अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन जस्ट कॉल मी, दे कैन ड्रॉप अ लाइन फॉर मी, तो मैं बताऊँगा मेरा ये विलेज एग्जैक्टली है कहाँ पर, वेयर इज़ इट सिचुएटेड. एंड यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस विलेज की खासियत क्या है. एंड द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री. एंड ऑथर यही चाहते हैं कि एक सबसे बेस्ट तरीका किसी प्लेस को जानने का क्या होता है, कि हम उस प्लेस को डायरेक्टली विजिट करें. तो हम सब इस चीज़ से एग्री नहीं हैं, डेफिनेटली वी आर एग्रीड, क्योंकि किसी भी प्लेस के बारे में हम दूसरों से जाने, इससे बेटर होता है कि हम खुद से जाकर उस प्लेस को घूमें और उसकी डिटेल जानें. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago. नाउ ही इज़ कमिंग टू द पॉइंट. ऑथर ने क्या बोला, जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 10 साल पहले हुई हैं. वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन. आर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी. इट इज़ डिफरेंट नाउ, देर आर मैनी हु नो इंग्लिश. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking. यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला, 10 साल पहले यहाँ के विलेज की कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी. सिर्फ एक विलेज अकाउंटेंट था जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, एंड उसी करेज के कारण उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेजा टू बेंगलोर टू स्टडी फर्दर. अब यहाँ पर जब वो 10 साल बाद रिटर्न करके आया है इन द सेम विलेज होशाली, तो यहाँ की कंडीशन कुछ डिफरेंट है. अब यहाँ पर हर एक स्ट्रीट पर, हर एक स्मॉल स्मॉल एरियाज में यू कैन गेट द पीपल जो कि इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं. उस वक्त 10 साल पहले यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जो इंग्लिश में स्पीक कर सके, और कभी वो कोशिश भी नहीं करता था कि अपने मुंह पर एक सिंगल इंग्लिश वर्ड को ला सके वाइल टॉकिंग. बट नाउ आफ्टर 10 years द विलेज इज़ ग्रोइंग इन सेंस ऑफ इंग्लिश. Almost each and every person is trying to speak English up. Coming to page number 18. Incarnate means they were not talking in English but only in their language, Kannad. What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Ram Rao's house when they bought a bundle of firewood. Ram Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 pais, she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself, "I too did not know." Later, when I went to Ranga's house
एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल या फिर बुरी चीज़ हुई जो कि पसंद नहीं आई ऑथर को। उन्होंने ये बोला कि एक दिन राम राव के घर पर एक लेडी आई विद अ बंडल ऑफ फायरवुड, जिससे आप सारा का सारा चूल्हे का वर्क करते हैं इन विलेज एरिया। एंड वो फायरवुड कितने की कॉस्ट थी उसकी? 4 पाइस की। द करेंसी वॉज देयर एज पाइस। तब जाकर राम राव के बेटे ने बोला कि उसके पास चेंज नहीं है, तो वो 4 पाइस उस वुमेन को अभी नहीं मिलेंगे, शी हैज़ टू कम अनादर डे फॉर दैट 4 पाइस। बट अगेन वुमेन, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, शी वॉज़ कन्फ्यूज व्हेन शी वॉज़ गोइंग बैक, और वो अपने आप में ही मटर कर रही थी या अपने अंदर अपने शब्दों को बोल रही थी कि आखिर उन्होंने ये चेंज वर्ड बोला क्यों, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती थी और ना ही उस वक्त ऑथर को इंग्लिश आती थी। एंड व्हेन ऑथर जब वहाँ पर ऑथर रंगा के घर पर गया तो क्या हुआ? ऑथर ने खुद से पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड चेंज। तब जाकर रंगा ने उसको हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन करा। देन ऑथर कम टू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अ विलेज अ डिकेड अगो। That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here. It seems, and come Ranga is here. Let's go and have a look." English, एक priceless commodity की तरह जिसकी कोई भी price नहीं होती, लेकिन हर कोई उसको इस तरीके से संभालना चाहता है जैसे कि वो कोई एक jewel material. तो इस अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज उनके गांव में पूरी तरह से फैल गई। बट ये सब कब हुआ? जब रंगा यहाँ पर आया। 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट 10 साल के बाद बहुत ज़्यादा ही गहरा चेंज आया उनके विलेज एरिया में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रंगा के आने से। सो जैसे ही रंगा का सबको पता चला दैट ही इज़ कमिंग बैक टू होम, तो सब लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेट करा उस मोमेंट को जैसे कि उनकी लाइफ का एक ग्रेट इवेंट या कोई एक फेस्टिवल हो। और हर बार पीपल की इकट्ठी जो भीड़ होती है, जो क्राउड होता है, इट रश टू हिज डोर स्टेप, सारे के सारे लोग हर बार भीड़ बनाकर, एक झुंड बनाकर ग्रुप में उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे, और सब जने यही बोलते थे कि अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है जो कि बेंगलोर गया था पढ़ने फॉर हायर स्टडीज़। और अब जाकर कभी भी उनके सामने रंगा आता है तो वो किस तरीके से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, कि कम रंगा हिज हेयर एंड वी शुड हैव अ लुक, कि वो लगता कैसा है पढ़ा लिखा 10 साल के बाद। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर। यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला, सारे के सारे झुंड जो भीड़ थी लोगों की, वो कहाँ खड़ा हो गया? रंगा के घर के बाहर। तो मुझे समझ में नहीं आया कि सारे लोग वहाँ पर क्यों खड़े हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सब यहाँ भीड़ बनाकर क्यों इकट्ठा हुए? यहाँ पर कोई बंदर नहीं है जो कि परफॉर्म कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. यहाँ पर अब एक लड़का आकर बाहर खड़ा हुआ। कौन था वो लड़का? रंगा। उसने क्या बोला? बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला कर बोला, जैसे उसके पास कोई दिमाग नहीं था। सारे लोगों को एकदम बोला कि आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो सब लोगों का जो ओपिनियन होना चाहिए था कि वो एक यंगस्टर है, वो इमैच्योर है, उसको पता नहीं है उसमें मैनर्स, किस तरीके से बड़े लोगों से बात करते हैं, तो ये सारी मैनर्स उसमें नहीं हैं। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। बट इसके बारे में ऑथर ने और ज़्यादा डिटेल नहीं बोली, क्योंकि उस वक्त लोग उसको इमैच्योर और मैनर्स लेस मानते थे। बट तो जाकर भी कोई उससे कुछ नहीं बोलता था जस्ट बिकॉज ही नोज इंग्लिश। तो उस बारे में ऑथर बहुत ज़्यादा बुरा सोचते थे रंगा के बारे में, कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है हाउ टू टॉक विद ईच एंड एवरीवन।
बट अब जाकर वो रंगा के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते, दैट्स वाई ही इज़ कीपिंग क्वाइट. सींग सो मैनी पीपल देर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. हैड वी ऑल गॉन इन साइट, द प्लेस वुड हैव टर्नड इन टू वॉट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. थैंक गॉड इट डिड नॉट. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago, when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janivar is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. Ab yahan par kya hua? यहाँ पर ऑथर को लगा जिस तरीके से कैलकटा की एक स्मॉल एरिया में ब्लैक होल बोलते हैं हर जगह अंधेरा, उसी तरीके से ऐसा लग रहा था कि इतने सारे भीड़ अगर रंगा के घर जाएगी तो क्या होगा, वही ब्लैक होल का एक एनवायरनमेंट होगा. बट ऐसा नहीं था. रंगा के फेस पर एक स्माइल थी और जिस तरीके से वो बोल रहा था दैट वॉज जस्ट अ केस ऑफ जोक. और वो वैसा ही था जैसा कि वो 6 महीने पहले यहाँ पर जब आया था उस तरीके से वो उसने सबसे डील करा. हर कोई सरप्राइज था जब रंगा ने उसको घर पर सबको इनवाइट करा. एंड इस अकॉर्डिंग ना रंगा बदला, ना उसका पहनने का जो भी अटायर था वो, और ना ही उसका लोगों के लिए जो मैनर्स थी उसमें कोई भी चेंज आया. एंड उसी वक्त एक लेडी आई और उसने रंगा की तरफ देखकर क्या बोला, दैट ही इज़ द जानेवर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जानेवर. द सीक्रेट थ्रेड वोन बाय ब्राह्मिन्स. तो उन्होंने बोला ना ही रंगा में कोई चेंज आए और ना ही उसके मैनर्स में और ना ही वो जिस भी ओल्ड ट्रेडिशन को मानता है उसमें कोई चेंज है. द जानेवर या फिर द जने हुए इज स्टिल ऑन रंगाज बॉडी, मीन्स ही इज़ जस्ट एज द सेम एज ही हैज़ गॉन फ्रॉम दिस प्लेस. ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट, ना ही उसने अपनी ब्राह्मण कास्ट को छोड़ा है और ना ही किसी चेंज को फॉलो किया है. और ये सब बोलकर वो लेडी वहाँ से चली गई एंड रंगा वॉज लाफिंग. Coming to the next paragraph, once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then the Ranga noticed me. He came near me and did a namaskar respectfully, saying, "I am all right with your blessings." अब जब सब लोगों ने देख लिया कि रंगा में कोई चेंज नहीं आए हैं, उसकी हाथ नाक आंखें सब कुछ पहले जैसी हैं, तो क्राउड इस तरीके से धीरे धीरे उसके घर से बाहर जाने लगा रंगा से मिलकर, जिस तरीके से एक हॉट किसी भी मटेरियल में शुगर धीरे धीरे पूरी तरह से घुल जाती है, जैसे कि एक चाइल्ड के माउथ में. एंड तब जाकर जब सारे लोग चले गए तब अकेले ऑथर वहाँ खड़े हुए थे एंड ही कंटिन्यू टू स्टैंड देयर जस्ट बिकॉज इतनी भीड़ में रंगा किसी को नोटिस नहीं कर पाएगा. और जैसे ही सब जने चले गए तब ऑथर ने क्या पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा. एंड तब जाकर उन्होंने ये भी पूछा, क्या तुम्हारे साथ हर एक चीज़ अभी तक सही हुई है, अच्छे से हुई है. देन रंगा रिप्लाइड आफ्टर नोटिसिंग द ऑथर. उनको ऑलरेडी जानते थे बट भीड़ में पहचान नहीं पा रहे थे. तब ऑथर को अच्छे से नोटिस करने के बाद रंगा ने रिस्पेक्टफुली उनको नमस्कार किया और एक मैनरफुल वे में ये भी बोला कि मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ, खुशहाल हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर. ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन. यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि रंगा का जो आंसर था उसमें आप सबको एक अटेंशन पे करना चाहिए. वो उसके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से और किस से कितनी मैनर्स के साथ और कब कहाँ कैसे बात करनी चाहिए, तब जाकर ही जो शब्दों से एडवांटेज मिलता है कि एक पर्सन अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, वो एडवांटेज आपके सामने आपको मिलेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एंड राइटली एक्सिस्ट पीपल्स वर्थ. एंड तब जाकर जो पीपल की एक वैल्यू होती है वो आपके सामने आपको महसूस होगी. As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy with his head up towards the sun.
standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. "May you get married soon," I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. अब जाकर रंगा बिल्कुल ऐसे स्टिफ एक पर्सन की तरह ये एटीट्यूड में नहीं खड़ा था, ना ही उसने हैंड्स फोल्ड करके बात करी. उसने अपने संस्कार, जो उसका कल्चर है, उसको फॉलो करते हुए क्या करा, धीरे से नीचे की तरफ बेंड होकर ऑथर के पैर छुए. ही टच हिज फीट एंड फाइनली ऑथर ने उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी दैट यू मे गेट मैरिड सून. एंड इसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हुई, प्लेजेंट्रीज हुई, मीन्स मजाक या जोक्स कुछ भी. एंड इस अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत बातें कर वहाँ से ऑथर चले गए. दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अ जेनरस कंसिडरेट फेलो. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट. अब जाकर नेक्स्ट डे रंगा ऑथर के घर गए विथ अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड. मीन्स खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते हैं, दैट्स वाई ही परचेज सम ऑरेंजेस टू ऑफर टू ऑथर. एंड तब जाकर ऑथर को लगा कि ये बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सन है और किस तरीके से किसकी केयर करनी चाहिए या बड़े लोगों का लिहाज करना चाहिए, ये सारी वैल्यूज उसमें है. ही इज़ कंसिडरेट फेलो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब उसकी मैरिज हो जाए ताकि सही टाइम पर वो सेटल डाउन हो जाए और सोसाइटी के हर एक छोटे बड़े जो भी कंसेप्ट होते हैं उनको अच्छे से समझे और फॉलो करे. फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? कुछ टाइम तक ऑथर ने रंगप्पा से यहाँ वहाँ की बातें करी एंड देन ही डायरेक्टली केम टू द पॉइंट. और उनका पॉइंट क्या था, उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया रंगप्पा से कि आप कब प्लान कर रहे हैं कि आप मैरिज करें. I'm not going to get married now, he said. Why not? तब रंगप्पा ने क्या बोला कि वो अभी मैरिज के मूड में नहीं है. तो ऑथर ने पूछा क्यों नहीं. I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. They will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young. Like the present day brides is there. What would have happened to Kalidas' play if one gets married? It should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. अब रंगा की सोच क्या थी, उसको ये लगा कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉय की सेम एज की होनी चाहिए और इक्वली मैच्योर होनी चाहिए. तब उसने एक एग्जांपल दिया कि वन ऑफ द ऑफिसर जिनको वो जानते थे, उन्होंने सिर्फ 6 महीने पहले मैरिज करी एक गर्ल से जो कि 25 ईयर्स ओल्ड थी और जो ऑफिसर थे खुद वो 30 ईयर्स ओल्ड थे. बट उन दोनों में एक लविंग नेचर था जस्ट फॉर सम टाइम. आफ्टर मैरिज वो गर्ल जो यंग थी उनके कंसेप्ट मैच नहीं हुए और जो भी वो वर्ड्स बोलते थे वो वर्ड्स उनके मैच नहीं हुए और इस अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे. तो इसीलिए रंगा को एक ऐसा पर्सन चाहिए था कि अगर वो कोई चीज़ प्यार से बोल रहा तो पर्सन उसको प्यार की ही बातें समझे, ना कि ये समझे कि उसने गुस्से में बोली है. तो ये मैच्योरिटी होनी चाहिए हाउ टू एग्जामिन वंस मूड. एंड तब जाकर उन्होंने बोला, एक ट्रूप ने, एक ग्रुप ने रिसेंटली उन्होंने बेंगलोर में एक प्ले देखा था जहाँ पर एक ट्रूप ने शकुंतला प्ले करा था. तो रंगा को ये लगा कि दुष्यंत को शकुंतला के लिए उसके प्यार में फॉल नहीं होना चाहिए बिकॉज ही वॉज द किंग एट दैट टाइम एंड शकुंतला काफ़ी ज़्यादा यंग थी. एंड इस अकॉर्डिंग सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई. और अगर कालिदास के प्ले में कालिदास खुद से मैरिज कर लेते तो उस गर्ल का क्या होता, वो इमेच्योरिटी कहलाती कालिदास की. तो इस अकॉर्डिंग या तो एक गर्ल को पूरी तरह से मैच्योर होना चाहिए बिफोर मैरिज, अदरवाइज बॉयज़ को बैचलर ही रहना चाहिए. इसलिए मैं अभी खुद में भी थोड़ी मैच्योरिटी लाना चाहता हूँ और अपनी सेम लेवल की मैच्योर गर्ल को मैं ढूँढ रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी मैरिज नहीं कर सकता. इज़ देयर एनी अदर रीज़न?
तब अच्छे से ऑथर ने दोबारा पूछा, क्या कोई और भी रीज़न है जिसके कारण आप मैरिज नहीं कर सकते? कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. अब यहाँ पर रंगा ने फिर क्या बोला, मैरिज उसी पर्सन से होनी चाहिए जिसकी आप तारीफ करें, एक ऐसी गर्ल जिसके काम को आप प्रेस कर सकें. मीन्स रंगा के सारे ओपिनियन एक परफेक्ट गर्ल को सुधारने में थे कि हाउ द गर्ल शुड बी मैच्योर्ड. तो एक ऐसी गर्ल जिसको वो खुद से प्रेस करे, एडमायर करे. दिस टाइम पेरेंट्स क्या चाहते थे कि हर कोई अरेंज मैरिज करे, बट वॉट अबाउट द गर्ल कि आप उसको कभी एडमायर ही ना कर पाए. उसके एक साइड मिल्क जैसी वाइटनेस है तो दूसरी साइड सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर. मीन्स वो डबल साइडेड फेस को शो करती है. तो ऐसी गर्ल का क्या करेंगे कि वो शादी के पहले कुछ और बाद में कुछ और. तो इस अकॉर्डिंग उनको ऐसी गर्ल नहीं चाहिए थी कि उसको यही ना पता चले कि वो कब अपनी फिंगर्स को खुद ही बाइट कर रही है और कब वो मैच्योरली लोगों से डील कर रही है. तो इस अकॉर्डिंग उन्हें एक ऐसी गर्ल चाहिए जो हर एक लेवल से मैच्योर हो और रंगा हर बार उसकी तारीफ करे, प्रेस करे या उसको एडमायर करे. वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गर्ल. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग. तब यहाँ पर ऑथर ने बोला, मीन्स एक अगर नीम का फ्रूट है तो दूसरा बिटर गर्ड. एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा, दैट इज करेला. तो रंगा ने बोला, हाँ यही बात है, जो लड़कियाँ होती हैं या तो वो अच्छे से मैच्योर नहीं होती या वो डबल फेस्ड होती हैं. एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that it would get him married. Sorry, I would get him married. अब यहाँ पर author कहीं ना कहीं निराश हो गए. हो सकते हैं उनकी खुद की बेटी की बात हो. वो निराश इसलिए हुए क्योंकि उन्हें लगा रंगा पढ़ा लिखा है, मैच्योर है, इंग्लिश आती है और हर तरीके से सोसाइटी से डील करने में वो एक्सपर्ट है. बट वॉट इज हिज डिसीजन, ही वॉन्ट्स टू रिमेन बैचलर. जस्ट बिकॉज उनको गर्ल्स में मेच्योरिटी का एक क्वेश्चन उनके माइंड में बार बार आता रहता है, दैट गर्ल्स आर नॉट मेच्योर इनफ टू गेट मैरिड. एंड काफ़ी देर रंगा से बात करने के बाद ऑथर ने क्या डिसाइड करा कि वो रंगा को रेडी करेंगे टू गेट मैरिड सून. राम राव नीस, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, हैड कम टू स्टे विथ हिम. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? द नीस ऑफ राम राव, वो उनके घर पर रहने आई थी, जो कि 11 ईयर्स की थी. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम. वो एक अच्छे बड़े से टाउन से थी, वो विलेज एरिया से नहीं थी. तो उनकी भतीजी को, नीस को, सब कुछ आता था कि किस तरीके से वीणा या हारमोनियम प्ले होता है. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी वॉइस कैसी थी? बहुत ज़्यादा स्वीट. नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो एज वेल क्लास. Till then, thank you and have a nice day.